शासन के निर्देशानुसार 16 दिसंबर को जनपद पंचायत नालछा में विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत नालछा के क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय सेना के जवानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें नालछा नगर के श्री बुद्धिचंद जी सोलंकी एवं सतीश जी बड़गुजर को आमंत्रित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवानों का माननीय अध्यक्ष लाल जी डावर, जनपद पंचायत नालछा श्री मेहताब जी कटारे, विकास जी ठाकुर, श्री सुरेश जी व श्री बीएस मुवेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा बारी बारी से पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया व अंत में आभार श्री बलराम प्रजापत द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत नालछा के कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। धार जिले के नालछा से विनीत जी की रिपोर्ट। उपलक्ष्य में था 16 दिसंबर भैया, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में शौर्य दिवस पाकिस्तान की जो फौज थी उसको, हमारे देश की जो फौज थी उसने परास्त किया था, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, तो इसलिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, आपका नाम? विकास सिंह सोलपुर। आज कार्यक्रम था यहाँ पर, आज विजय शौर्य दिवस के रूप में कार्यक्रम रखा था, जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान के पास 93,000 सैनिक थे और भारत के पास नहीं के बराबर सैनिक थे, फिर भी पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम मना रहे। जय हिंद।